सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के जुड़े हुए दोस्तों हम जो है पबजी गेम खेलेंगे और उसका जो है पबजी का पिंग टेस्ट करेंगे आपका जो है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के साथ और जियो गीगा फाइबर कनेक्शन के साथ। और ये देखिए मोबाइल में गेम खेलेंगे K20 प्रो, रेडमी का K20 प्रो ये मोबाइल है, इसमें हम गेम खेलेंगे और पबजी का जो है पिंग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है इसको एयरटेल 5 GHz कनेक्शन के साथ। तो सबसे पहले एयरटेल के कनेक्शन के साथ जो है हम पिंग टेस्ट करेंगे पबजी गेम का। तो इधर जो है अभी हम स्पीड टेस्ट करके देखेंगे कि क्या भाई स्पीड टेस्ट मिल रही है। और 100 Mbps वाला मेरा प्लान है और अभी हम स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। और ये ऊपर देखिए पिंग देखिए 3 ms आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है, 3 ms, काफ़ी जो है पिंग मतलब बढ़िया पिंग आ रहा है, बढ़िया पिंग बोल सकते हो आप इसको। और देखिए 100 Mbps वाला प्लान है और ये आप देख सकते हो पिंग पहले ही आ गया। और देखिए डाउनलोड स्पीड 111 की आ रही है, काफ़ी अच्छी आ रही है, जबकि 100 Mbps वाला प्लान उससे ऊपर ही हमको डाउनलोड स्पीड दे रहा है। और अपलोड स्पीड देखिए, अपलोड स्पीड भी दोस्तों कितनी अच्छी आ रही है, 113, डाउनलोड स्पीड से भी ज़्यादा 113 जो है अपलोड स्पीड आ रही है, मतलब बहुत अच्छी स्पीड इधर बोल सकते हैं हम, क्योंकि 100 Mbps वाला प्लान है उससे ऊपर स्पीड मिल रही है। और क्या चाहिए, डाउनलोड अपलोड स्पीड जो है लगभग दोनों सेम मिल रही है। तो अभी हम दोस्तों ये गेम खेलते हैं और अभी एयरटेल के साथ जो है हम गेम खेल रहे हैं, मेरा मतलब है एयरटेल के ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट है ये मेरा मोबाइल रेडमी का K20 Pro। अभी दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताता हूँ, ये देखिए मैंने कुछ जो है इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है, अब बड़े में आपको बताता हूँ। और अभी आप देखिएगा, लाइव देखिएगा क्या पिंग मिल रहा है अगर हम पबजी गेम खेलते हैं और एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं और हम पबजी खेलेंगे तो क्या पिंग हमको मिलेगा। तो इधर दोस्तों इसके बाद जो है जियो गीगा फाइबर के साथ भी हम पिंग टेस्ट करेंगे क्या पिंग मिल रहा है पबजी गेम में। तो इधर दोस्तों गेम लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इधर दोस्तों स्पीड के मामले में अगर हम बात करें तो एयरटेल एक्सट्रीम जो ब्रॉडबैंड है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और बहुत बढ़िया स्पीड देखने को मिली है। काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ब्रॉडबैंड को। और पिंग भी जो है दोस्तों इसका कभी 3 ms, 4 ms, 5 ms, इससे ज़्यादा नहीं आता है। जब भी मैं स्पीड टेस्ट के द्वारा जो है स्पीड टेस्ट करता हूँ तो मैंने पिंग देखा है 3 ms, 4 ms, 5 ms, बस इतना ही रहता है, तो काफ़ी अच्छा पिंग आता है। तो अभी आप देख सकते हैं पबजी गेम चालू हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे देख सकते हो 20 ms जो है हमको पिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से आपका पबजी गेम जो है चलेगा और आप खेल सकते हो। तो इधर दोस्तों ये 20 ms से कम शो नहीं करता है अगर आप पबजी गेम खेलते हो मोबाइल में, तो 20 ms से अगर कम भी पिंग मिल रहा होगा अगर जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है तो इधर शो नहीं करता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 3 ms जो है हम पिंग मिल रहा था हमको जब हमने स्पीड टेस्ट किया था, लेकिन इधर शो 20 ms ही हो रहा है। तो वो दोस्तों आपको पता होगा, ज़्यादा तो मुझको गेम का नॉलेज नहीं, ज़्यादा मैं गेम नहीं खेलता हूँ। वहीं आप पबजी PC खेलोगे या काउंटर स्ट्राइक, तो उसमें आपको फुल जो है पिंग का फ़ायदा मिलेगा, मतलब अगर 3 ms मिल रहा है, 1 ms भी पिंग आ रहा है तो बिल्कुल शो करेगा। लेकिन वो किसमें, पबजी PC में खेलते हो, परचेस करके पबजी गेम खेलते हो या काउंटर स्ट्राइक खेलते हो उसमें, लेकिन ये मोबाइल वाले में आपको 20 ms से ज़्यादा, मेरा मतलब 20 ms से कम नहीं मिलेगा। 20 ms से ज़्यादा अगर पिंग मिलेगा, जैसे 21, 22, तो वो जरूर शो होगा, लेकिन 20 से कम शो नहीं होता है ये पबजी गेम मोबाइल में जो हम खेलते हैं। तो इधर दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी जो है अब हम गेम को इधर स्टॉप करेंगे और जियो गीगा फाइबर कनेक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे, वो भी 5 GHz से ही कनेक्ट करेंगे। 5 GHz से दोस्तों फुल स्पीड मिलती है जैसे कि आपको पता है। तो इधर देखिए मैं जियो से जो है कनेक्ट कर लेता हूँ, जियो गीगा फाइबर 5 GHz से देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है रेडमी K20 Pro को। तो इधर दोस्तों 5 GHz से कनेक्ट करिएगा, उसमें फुल स्पीड मिलती है। अगर आपके पास 100 Mbps या 100 Mbps से ऊपर वाला प्लान है तो प्लीज़ जो है 5 GHz से कनेक्ट करिए, अदरवाइज तो आपको 60-65 Mbps के आसपास स्पीड मिलेगी अगर आप 2.4 GHz से कनेक्ट करते हो तो। तो इधर देखिए दोस्तों स्पीड टेस्ट में करके बता रहा हूँ और पिंग जो है इसमें देखिए 13 ms आया है, और मतलब एयरटेल से बेकार जो है पिंग आया है 13 ms, और डाउनलोड स्पीड भी बेकार आई है 95.3, मतलब 100 Mbps वाला प्लान है और 100 टच नहीं कर पा रहा है ये, मतलब 90-95 दोस्तों इतना ही मिलता है, मैंने कई बार चेक किया है डाउनलोड स्पीड। और पिंग जो है करीब 11 ms से लेकर 17 ms के आसपास मिलता है जियो गीगा फाइबर कनेक्शन में। तो इधर देखिए डाउनलोड अपलोड स्पीड तो बहुत ही बेकार है, 9.76 आ रही है। तो अपलोड स्पीड दोस्तों आपको 100 Mbps वाला प्लान है तो 10 Mbps ही मिलेगी मैक्सिमम, ऐसा जियो बोलता है। तो चलिए अब हम पबजी गेम खेलते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है मैं थोड़ा सा बड़े में बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या पिंग मिल रहा है जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड में अगर हम पबजी गेम खेलते हैं तो। तो इधर 20 ms आ रहा है दोस्तों, नीचे आप देखिए 20 ms मिल रहा है।
मतलब ठीक मिल रहा है और गेम भी अच्छा चल रहा है। और अभी हम देखते हैं और आगे, और एयरटेल एक्सटी में भी 20 ms शो हो रहा था, तो इधर देखिए प्रिंट जो है 20 ms मिल रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, ये 64 हो गया, करीब 5 मिनट 7 सेकंड के वीडियो में 64 ms हो गया था पिंग आपका। और फिर उसके बाद जो है देखिए वापस जो है 20 ms हो गया, मतलब इधर जो फ्लैक्चुएसन हमको देखने को मिला जियो की फाइबर कनेक्शन में पिंग में, तो ये फ्लैक्चुएसन दोस्तों आपने देखा करीब 5 मिनट 7 सेकंड के वीडियो में देखा 64 ping हो गया था, फिर वापस से 20 ms हो गया पिंग। तो इधर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल का एक्सटीम आपका विनर हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्लैक्चुएसन ऐसा देखने को नहीं मिला था, उसमें 20 ms मतलब 20 ms ही पिंग मिल रहा था। तो हालांकि गेम इसमें भी अच्छा चलेगा, अच्छा पिंग है, 20 ms अच्छा गेम चलेगा, लेकिन फ्लैक्चुएसन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है हमको जियो गीगा फाइबर कनेक्शन में, अगर हम पबजी गेम खेलते हैं तो। अगर आप एकदम पबजी गेम खेलना ही चाहते हो और कनेक्शन लगवाना चाहते हो कोई और अच्छा फास्ट ब्रॉडबैंड वाला, तो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर आप लगवा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा और हम चेक कर लेते हैं अभी इस गेम को खेल के, तो अभी और देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 32 32 6 मिनट और 6 सेकंड के वीडियो में आप देखोगे तो 32 ms हो गया था पिंग आपका, और फिर वापस से फिर 20 ms हो गया। तो इधर फ्लैक्चुएसन हमको देखने को मिला है, तो इधर भाई एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर को मैं विनर बोलूंगा, उसमें कोई फ्लैक्चुएसन मुझको देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट द्वारा मैं जवाब दूंगा। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले समय में बनाने वाला हूँ जियो गीगा फाइबर कनेक्शन को लेकर भी और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन को लेकर भी, तो उसके लिए जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।